सेक्रेटेरिएट का जो इनॉग्रेशन हो रहा है, हम मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह से ताजमहल से ऊंची इमारत बनाई हमारे चीफ मिनिस्टर ने। हम इतना ही कहेंगे कि सेक्रेटेरिएट के दामन में वो दो मस्जिदें जिनको डिमोलिश किया गया था, हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उस मस्जिदों को भी खोल दिया जाए। और चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है, गवर्नमेंट ने वादा किया है, हाईकोर्ट में गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया कि वो मस्जिद बन रही है। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि माशाल्लाह तेलंगाना स्टेट बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक एजाज की बात है कि इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है। और उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि उन दो मसाजिद को भी जो उस कंस्ट्रक्शन में डिमोलिश कर दिया गया था उसको दोबारा बनेंगी और वहां पर नमाज शुरू होगी। सर, पार्टी का अपना नहीं है और आप शहर के एमपी हैं, आपको निमंत्रण मिलना चाहिए। अरे अभी आपको मिल गया क्या इनविटेशन? मीडिया को मिल गया? डीएम के सीएम को मिल गया सर? नहीं, आपको मिल गया क्या? डीएम के सीएम को मिल गया? नहीं, देखिए मेरा मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूं नए सेक्रेटेरिएट के खुलने पर गवर्नमेंट को आपके जरिए से। और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो दो मसाजिद को डिमोलिशन किया गया था सेक्रेटेरिएट के कंस्ट्रक्शन में, उसकी तामीर होगी और उसमें नमाज शुरू हो जाएगी। और वाकई में बहुत, ये तो तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक एजाज की बात है कि इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट बन रहा है, ताजमहल से ऊंचा है भाई वो, और एक मैसिव कंस्ट्रक्शन है वो, और रिकॉर्ड टाइम में वो मुकम्मल हुआ है। और हम ही ने कहा था उसका नाम अम्बेडकर के नाम से रखो, भूल गए आप लोग? सीएम ने उसको कबूल किया, अब वो नहीं बोलते आप? सर कबूल किया? हाँ, कबूल हो गया ना, अंबेडकर का नाम पड़ गया, बस है, काफी है। सर कबूल किए, मस्जिद भी बन गए, मगर हमारा आप सेक्रेटेरिएट जब खुलेगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा, अच्छा है ना। आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट करते हुए आए सर बीआरएस पार्टी को, बहुत सारे मामलों में मस्जिद बन गया वहां पे, बन गया, आप देख लिए? हाँ, मैंने देखा था सर, मैंने नहीं, नहीं, अगर आप देख लिए तो हमको भी देखने दो भाई। हम जाके नमाज पढ़ना चाह रहे हैं सर, मैंने देखा था, मैंने बाहर से देखा था, मस्जिद बन गया वहां पे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर आप इश्यू बेस्ड सपोर्ट करते हुए आए, आपको क्यों दूर रखा जा रहा है, मतलब आपके बीच में कुछ नहीं? दूर खम्मम में भी आप नहीं थे? अरे खम्मम में मैं उनके पार्टी का प्रोग्राम है प्यारे। अब जैसा टाइम्स नाउ का कॉन्क्लेव हुआ, आप जिसको बुलाना चाह रहे बुलाते, नहीं बुलाते, आपका हुआ, एबीपी का हुआ, आपका इंडिया टीवी का हुआ, जी का हुआ, आपके हेडलाइंस टुडे का हुआ, जिसको बुलाना चाहते बुलाते, नहीं बुलाना चाहते नहीं बुलाते। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, वैसी भारत राष्ट्रीय समिति है। हाँ बिल्कुल है, दोनों ऑल इंडिया है। हाँ, तो ऑल इंडिया की पार्टी बुला रहे हैं तो आप तो नेचुरल अलाई है उनके। अरे नहीं बुलाए तो मैं क्या करूं भाई, मेरे को क्या करने का है, मैं अपनी दुनिया में खुश हूं। अब वो उनके पार्टी का प्रोग्राम है, अब आप समझा करिए बात को। जैसे सपा ने उत्तर प्रदेश में आपसे दूरी बनाए रखी, आरजेडी ने बिहार में आपसे दूरी बनाए रखी, हाँ, यहाँ पर बीआरएस आपसे दूरी बनाकर रखी है, बीआरएस और उनमें क्या डिफरेंस? आप दोस्त बोलते नहीं, नहीं, देखिए हम जिसको दोस्त बोले दोस्त बोलते रहेंगे, और जिसको अपना दुश्मन समझे, माने पोलिटिकली अपोनेंट समझे, उसको पोलिटिकल अपोनेंट समझते हैं। और हम लोग क्लियर कट है, बीच में नहीं चलते हम लोग, दोस्त है। अच्छा नहीं, अगर जिसको दोस्त बोले दोस्त है, दोस्त है, तो मेरा दोस्त है सर। नहीं, हमें हमारे आप उसकी वही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, वो उनके प्रोग्राम में जिस किसी को बुलाना चाह रहे वो प्रेरोगेटिव है उनका, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, सरकारी प्रोग्राम है। अरे भाई किसी को बुला ले वो, भाई अगर आता है नहीं आता अलग बात है, बट उनका प्रेरोगेटिव है, वो बुलाएं बराबर, उनका इख्तियार है, उनका अथॉरिटी है, उनको राइट है बुलाने का। हाँ, मुंबई में हाँ, वो दो दिन का है पूरा शेड्यूल, इंशाल्लाह ताला इम्तियाज जलील साहब हमारे एमपी जो है वो पूरा शेड्यूल बना के आपको एक तीन चार दिन में मीडिया को दे देंगे। मोटा मोटी बता दीजिए सर, कब हो रहा है? नहीं, मोटा मोटी वो तो 25-26 तारीख को तो ऐलान हो चुका है, उसमें पूरे हमारे जितने एमएलएज हैं, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं पूरे, वो आएंगे, और स्टेट प्रेसिडेंट्स रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स रहेंगे, सब बैठ के, और हमारे सोशल मीडिया के बात करेंगे। एजेंडा पूरा पूरा पूरा, पूरा, पूरा एजेंडा रहेगा, बनाएंगे, बना के इम्तियाज जल्दी साहब देंगे आप। बीआरएस साहब से तो एक तरफा दोस्ती तो नहीं है कि वो तो आपको मतलब किसी भी इसमें नहीं बुला रहे हैं, जबकि बाकी पार्टियों के साथ बातचीत हो रही है। कैसी दोस्ती है सर ये? एक तरफा दोस्ती तो नहीं हो रही कि आप दोस्ती कर रहे हैं और वो दोस्ती के लिए तैयार नहीं है? एक तरफा नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मगर इस बारे में मैं नहीं बोल सकता, मेरे तरफ से मैं जो कहना मैं कह चुका हूं आप।
नहीं, आपकी तरफ से दोस्ती है? नहीं, आप देखिए, सियासत है ये, सियासत है ये। और वही कोई प्रोग्राम कर रहा है चीफ मिनिस्टर, उनका राइट है, वो किसी को बुला सकते हैं। भाई मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ तो नरेंद्र मोदी आए थे ना, मैं नहीं था जब आप लोगों को तकलीफ नहीं है पूछने की, अरे आप नहीं गए, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अग्रेशन, मैं नहीं गया। बुलाते वो जिसको चाहे बुलाते, उनका राइट है, मैं क्या करूं। जब टीआरएस थे सर, अभी बीआरएस। हाँ नहीं, मर हमने देखिए, चीफ मिनिस्टर किसी को भी बुला सकते हैं, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, उनका अख्तियार है, बुलाएं वो। तेलंगाना लड़ेंगे, जीतेंगे। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? अरे सात से बाहर जाएंगे, सात ही पे लड़ेंगे? नहीं नहीं, आप क्यों जल्दी गई हो, आप कितनी क्यों इतनी जल्दी है आपका ये फिकर कहते हैं जहाँ से एमआईएम निकली है बाहर की सीटों पे हमने सात राज्यों में आपने पहले डिक्लेयर किया है। इंशाल्लाह सही वक्त पे सही फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक के लिए क्या है स्ट्रैटेजी? कर्नाटक में लड़ेंगे, कर्नाटक के साथ जाएंगे, कोई बातचीत हो रही है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बातचीत, जेडीएस के साथ कोई बातचीत, कोई बातचीत नहीं। अकेले रह रहे हैं? किसी से बातचीत नहीं हुई, जब होंगी आपको बता देंगे, अभी तक तो किसी से बातचीत नहीं हुई। कल्याण कर्नाटक का आपका फोकस रहेगा? नहीं, जहाँ जहाँ लड़ेंगे आपको बताएंगे, अभी कोई एग्जैक्ट नंबर डिसाइड नहीं हुआ है। हमारे लोग, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं, डिसाइड। लेकिन चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, चुनाव तो लड़ेंगे, चुनाव तो हमारे को चुनाव लड़ना ही आता है, और क्या है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी तो नहीं हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि फिर से भी टीम आपको बोला जाए? तो कोई बात नहीं, कोई क्या बोलना चाह रहे बोलो आप। हम जब दुनिया में रहेंगे तो इल्जाम लगते रहेंगे, उसकी कोई परवाह नहीं हमको। हम उसको क्या कर सकते, किसी को अब बोलना चाह रहा है हमारी मोहब्बत में तो बोले।